अधिकारों को जो मांगा नहीं जाएगा, अधिकारों को छीन करके और जनता के सामने पेश करूंगा। तो उर्दू को सब्जेक्ट के रूप में कायम करूंगा स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, इसके लिए संघर्ष करूंगा। कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया जाए और उसको विकास का नाम दे दिया जाए तो मैं तो नहीं समझता, इसमें इफ एंड बट नहीं है कहीं पर भी, मैं जीत करके आऊंगा कि जितनी फूल वर्षा की गई है उतनी वोटों की बारिश होगी। यदि मैं आ गया तो माफिया नहीं पनपेगा और मैं धार्मिक आधार पर चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ही जीतूंगा। नमस्कार आदाब, रॉयल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज सवाई माधोपुर से MIM प्रत्याशी जफर अहमद साहब से हम चुनावी चर्चा के लिए आए हैं। कांग्रेस और BJP के अलावा यहाँ से जफर साहब ने MIM से पर्चा भरा है। जफर साहब, पहले तो आपका रॉयल पत्रिका में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पधारने पर, आपका मैं स्वागत करता हूँ। सर हमें आप बताएं कि सबसे पहले आपका परिचय बताएं सर आप। मैं जफर अहमद नाम है मेरा, मेरे नाम के आगे अमीन जुड़ा हुआ है, तो मैं अमीन पोस्ट पर पहले शुरू में जो है वो पोस्टिंग हुआ था और रिटायरमेंट मेरा तहसीलदार सर्विस से हुआ है। लेकिन मुझे बेहतर लगता है कि मैं अपनी जो प्राथमिक जो मेरी पोस्ट रही है मैं उसी से संबंधित होता रहा हूँ हमेशा, और मेरी पहचान भी अमीन के नाम से ही है। सर क्या कारण रहा जो आपको विधानसभा चुनाव में MIM ने प्रत्याशी बनाया और आपको चुनाव लड़ना पड़ा? दरअसल मैं कर्मचारी यूनियनों की अध्यक्षता करता रहा हूँ, कर्मचारियों की राजनीति में रहा हूँ और कर्मचारी जगत की मैंने तकरीबन 25 से 30 साल तक सेवा की है और निर्विवाद नेतृत्व किया है। मुझे बहुत प्यार मिला और मैंने बहुत सेवा भी बहुत की है कर्मचारियों की। अब जब मैं यहाँ रिटायरमेंट के बाद देख रहा था तो यहाँ पर बहुत अत्याचार जुल्म हो रहे थे, जिसके भी खिलाफ जुल्म हुआ मैं यहाँ संघर्ष करता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि विगत 5 साल के अंदर आम जनता से इतना जुल्म किया गया है कि पिछले जो कार्यकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी सत्ता के अंदर किसी भी पार्टी का कार्यकाल रहा हो, तमाम कार्यकालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ जितना इस कार्यकाल में हुआ। इसलिए मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना मेरी नेचर में है। सर सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्थानीय विधायक के काफ़ी दावे हैं कि यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विकास के बारे में आपकी क्या राय है? अगर कंक्रीट के बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया जाए और उसको विकास का नाम दे दिया जाए तो मैं तो नहीं समझता और जनता भी ये नहीं समझेगी कि वो विकास हुआ है। विकास का मतलब है व्यक्ति का विकास हो, जनता का विकास हो, उसको रोज़गार मिले, उसको रहने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं हो, उसके लिए उसको जो है इलाज के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं हो, ये है, और शांति व्यवस्था हो, वो सुरक्षित महसूस करे, ये विकास है। कंक्रीट का जो जंगल खड़ा कर दिया जाए और उसको तो सिर्फ कमीशन के तौर पर जो है वो विकास किया गया है, उसमें 50% से 60% कमीशन खा करके वो विकास किया गया है, उसको मैं विकास नहीं मानता। आप इसको विकास नहीं मानते? सर अगर आपको मान ली जाए कि आपको विधानसभा चुनाव में यहाँ से जनता चुनकर भेजे विधानसभा में, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए? मुझे पहले तो ये उम्मीद है कि इसमें इफ एंड बट नहीं है कहीं पर भी, मैं जीत करके आऊँगा, क्योंकि जनता के मैंने काम किए हैं और जनता का मैं लाडला हूँ, जनता के हृदय तक मेरी पहुँच है और मेरी प्राथमिकता जो है ना वो जनता को राहत पहुँचाना ही और मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा की तरफ ध्यान देना, सुरक्षा की तरफ ध्यान देना और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना, ये तीन चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेंगी। MIM यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रही है सर, तो कहीं ना कहीं आपको वोटरों को समझाने में, आपकी जो पार्टी है उसकी जो नीतियाँ हैं उसके बारे में बताने में ज़्यादा कोई परेशानी या कोई आपदा तो नहीं आएगी ऐसा? MIM पार्टी कोई लोगों में अगर ये मैसेज हो कि भाई ये कोई मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिमों का ही प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं की बात करती है, ऐसा नहीं है। हम तो दरअसल इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत पर जहाँ भी हमला होता है, जहाँ पर भी इंसानों को नुकसान पहुँचता है, मानवता का वध होता है, तो MIM काम करती है। और हमने तो गंगापुर सिटी के अंदर MIM ने पंखीलाल मीणा को दिया है, तो कहाँ है वो ऐसा मामला? तो और दूसरी बात ये है कि पूरे भारत के अंदर लोग देखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी एक ही व्यक्ति है जो विधानसभा लोकसभा के अंदर
बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखता है, लोगों की बात रखता है, समाजों की बात कर रखता है, इंसानियत की बात रखता है। तो इसको ज़्यादा एम्पलीफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं, लोग तो वैसे ही जानते हैं। असदुद्दीन अवैसी की अभी यहाँ मीटिंग हुई है तो आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में लोग बाग और जो है फूल वर्षा इतनी की गई है, और मैं समझता हूँ कि जितनी फूल वर्षा की गई है उतनी ही वोटों की बारिश होगी। जी जी सर, आपकी सभा से काफ़ी बदलाव आया है ऐसा हमें भी लगता है। सवाई माधोपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या कमियां हैं और क्या खामियां पूरी कर सकते हो आप विधायक बनने के बाद? आपकी आपकी क्या रहेगी यहाँ विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए बहुत राहत दूंगा और विकास के काम में सबसे पहले रोजगार की प्राथमिकता रहेगी। और जितने भी ये जो थड़ी लगा रखी हैं होल्डर्स, ये थड़ी होल्डर्स हैं रोड के सारे, जिन्होंने जो है वर्षों से जो वहाँ बैठ करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये तय है कि उन लोगों को राहत दूंगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो है वो ठेला किसी दूसरे का है और वो बेचारा किराए से रो और जो है दलाली देता है, उसके बाद उसको वहाँ खड़ा किया जाना था। ये सब जो इस प्रकार से जो दलाली है उसको सभी क्षेत्र से बंद ख़त्म कर दी जाएगी, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कृषक वर्ग है, जो ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं, जो बजरी का जो एरिया है। ये तो सुनिश्चित है, आप भी समझते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो उस क्षेत्र के काश्तकारों की बनती है नदी के अंदर, कि वहाँ से वो जो बजरी निकालें तो वो लोग निकालें सबसे पहले जिनका वो गाँव क्षेत्र है। तो और वहाँ पर माफिया को नहीं पनपने दूंगा किसी भी स्थिति में, यदि मैं आ गया तो माफिया नहीं पनपेगा, सभी लोग राहत महसूस करेंगे। और बिजनेस करने वाले लोगों से जो चोट वसूली की जा रही है उसको मैं बंद कर दूंगा बिल्कुल भी। हर तरफ शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होगी और लोगों को बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान दूंगा, छोटी छोटी जगहों पर स्वास्थ्य के लिए, जहां अब आबादी बहुत घनी आबादी है वहां स्वास्थ्य के कोई केंद्र नहीं है वो खोले जाएंगे, जहां शिक्षा के कोई केंद्र नहीं है वहां खोले जाएंगे, जो स्कूलों के अंदर मैदान नहीं है ऐसी जगह पर स्कूल मैदान जो है वो डेवलप किए जाएंगे, और जहाँ मैदान ऑलरेडी हैं उनको तो सबसे पहले उनको शुरू किया जाएगा। अब बच्चों के खेल की व्यवस्था जो है ना उस पर स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर आपका आप MIM से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे भाजपा है, कांग्रेस है और अन्य निर्दलीय भी हैं, तो आप अपना मुकाबला किस उम्मीदवार से मानते हैं? सारे ही उम्मीदवारों का मुझसे मुकाबला है और मेरा सारे ही उम्मीदवारों से मुकाबला है। हर व्यक्ति अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं जीतूंगा, हार भी क्यों सोचे। सही तो बात तो सही है कि आदमी हार सोच ले तो वो आता ही नहीं। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे मुकाबले में नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी सबसे नीचे चला गया है, चौथे पायदान पर चल रहा है वो लोग, इसलिए वो मेरे मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं है बिल्कुल भी। अन्य प्रत्याशियों से हो सकता है, और मैं धार्मिक आधार पर चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सेवा के आधार पर, मानवता के आधार पर, कार्य करने के आधार पर और मेरी संघर्षशीलता के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए कौन मेरे से आगे जा रहा है मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ मैं ही टॉपर हूँ, मैं ही जीतूँगा, ये मेरा विचार। सर एक सवाल और था मेरा आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी सरकार ने एक मदरसा शिक्षा अनुदेशक की भर्ती भी निकाली थी जो विज्ञप्ति पूरी नहीं हुई, और मदरसा अनुदेशकों को जो परमानेंट करने की बात थी वो भी कहीं ना कहीं डामाडोल दिखता हुआ आ रहा है, और आचार संहिता लग गई है, चुनाव आ गए, लेकिन वो मदरसा पेरेटचर अभी तक परमानेंट नहीं हुए, इसमें आपकी क्या राय है? ये एक कर्मचारी वर्ग है जिसकी आपने ज्वलंत समस्या को उठाया है, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। ये सिर्फ मदरसा पैरा टीचर्स और उन्हीं का सवाल नहीं है, ये सुविधा पर एजुकेशन के अंदर भी, सर्व शिक्षा के अंदर और मेडिकल लाइन के अंदर ये व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को जो है सुविधा पे लिया जाता है, 8-8, 10-10 साल उनको निकल जाते हैं, उनकी लाइफ से खिलवाड़ किया जाता है और उनको मिनिमम वेतन दिया जाता है, जो कि मजदूर का जो कानून है उसका स्पष्ट, श्रमिक कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। एक कामगार जो परफेक्ट कामगार है उसके बराबर भी उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब जहाँ तक मदरसा पैरा टीचर्स के मामले में ऐन वक्त पर ऐसी चीज़ें कही गई जो कि चुनाव संहिता आचार संहिता लागू हो रही थी उसको रोक दिया गया है, तो RS की इंटरव्यू को तो नहीं रोका गया है, उनकी व्यवस्था क्यों रोक दिया गया है,
उस व्यवस्था को। ये एक सब मोनोपोली है और ये एक झुंझुना जो है इलेक्शन के नज़दीक जो है वो दिया गया था। मैं अगर आता हूँ तो सबसे पहले ये काम करूँगा कि जितनी भी संविदा पर हैं उन सबको परमानेंट करने की कार्रवाई करवाऊँगा और लड़ूंगा इसके लिए। ये चाहे चूँकि मैं एक MLA के रूप में ही यदि रहता हूँ मान लो तब भी लड़ूंगा। और ये भी नहीं है कि मेरे को पावर है कि नहीं है, मैं सब विधानसभा पे धरने दूंगा और इनके सबके समस्याओं को उठाऊंगा। उर्दू को ही ख़त्म कर दिया है तो आने वाले समय में तो मदरसा पैरा टीचर्स आएंगे भी कहाँ पर, तो उर्दू को सब्जेक्ट के रूप में कायम करूंगा स्कूलों के अंदर मदरसों के अंदर, इसके लिए संघर्ष करूंगा। राजस्थान में MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सर? अभी तक 6 सीटों पर तक लगभग जो है हमारी बड़ी मजबूत स्थिति है और कोशिश है कि अन्य सीटों पर भी बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार अभी लेके आएंगे। और हम अगर आगे तो विधानसभा में जो लोकसभा के अंदर जो शहर बोलता है ना, इसी तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा होगा और जो है अधिकारों को जो है मांगा नहीं जाएगा, अधिकारों को छीन करके और जनता के सामने पेश करूंगा। सर पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं जगह जगह का दौरा कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों का हर जगह जा रहा हूँ, तो मुझे पहले इतना नहीं देखा लेकिन अभी इतना लोगों के अंदर भय डर, किस बात का डर लोगों के अंदर बना हुआ है कि लोग प्रत्याशी के बारे में खुल के बताना नहीं चाहते, लोग अपना रुझान बताना नहीं चाहते, लोगों के मन में ऐसा कौन सा भय है जो दूर नहीं हो रहा? दरअसल सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में चाहे ए पार्टी हो ए नेता हो, चाहे बी पार्टी हो बी नेता हो, यहाँ पर गुंडागिरी का राज हो रहा है। आप देखेंगे कि जो है उनकी सभाओं में भी देख लीजिए, गुंडे लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ऐसा मैं जो है उसको पसंद नहीं करता हूँ। और ये जो आज नेता जो है गुंडों के साथ दिख रहा है, वो गुंडे दिखेंगे कल जो नेता के साथ, नेता को वो करना होगा जो गुंडे कहेंगे। इसको मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ। लोगों में भय है क्योंकि जो भी कोई फेसबुक पर या किसी पर कोई कमेंट करता है या प्रश्न पूछ लेता है अपने नेता से, तो वो उसी को जो है वो दंडित करता है। ऐसा नहीं होगा। मैं लोगों के अंदर सौहार्दपूर्ण और भयमुक्त वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि पूरे क्षेत्रवासी आराम से आसानी से जीवन यापन कर सकें, अपने धंधे को आसानी से कर सकें। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति काफ़ी प्रगति की तरफ जाए, उनके धंधों पर ध्यान दिया जाएगा, वो कैसे उनके कृषि खेती पर ध्यान दिया जाएगा, उनके मवेशी के जो का जो उद्योग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। कई गांव तो ऐसे हैं जिनके अंदर पानी कड़वा है, पानी है ही नहीं, वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। चाहे बीसलपुर का पानी लाने की व्यवस्था करें, चाहे बनास का पानी ले जाएं, चाहे मोरेल के पानी के बोर कराएं, लेकिन उन गांवों के अंदर सरकारी तरीके से जो है ना उनकी पीने की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था, ये नहीं कमीशनखोरी से जो व्यवस्था की जाएगी ये नहीं होगा। कमीशनखोरी का मामला खत्म समाप्त कर दिया जाएगा, जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। ये तो आपने सर सारी बातें रखी, आपने ग्रामीण क्षेत्र की बातें रखी। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल डाउन पे है। शिक्षा की व्यवस्था अगर की जाए शहरी क्षेत्र में, मैं खुद शहरी क्षेत्र से आता हूँ सर, वहाँ की जो भी जितनी भी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है या अदर कम्युनिटी है, कोई दलित कम्युनिटी है, यहाँ पे स्कूल्स और जनता क्लिनिक की बहुत काफ़ी अभाव है। लोग मतलब जैसे मदरसों के आधार पे या कुछ दूर जाके, दूर किलोमीटरों के हिसाब से जाके अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं या कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह, तो ऐसा कौन सा कारण रहा जो अपना समाज और अपने लोग या अपने क्षेत्र के लोग, अपने शहर के लोग शिक्षा से स्वास्थ्य से दूर है? इसमें मेरा विचार ये है, आप एक आकलन करें, स्टैटिस्टिक्स देखें कि इस पूरे 5 साल का जो पिछला साल पिछले 5 साल निकले, यही नहीं पूरे 60, 65 और 70 साल जो निकला है, उसमें आबादी के हिसाब से एजुकेशन के हब होने चाहिए थे, आबादी के हिसाब से ही स्वास्थ्य की जो है जो छोटे छोटे केंद्र खोले जाने चाहिए थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, म्यूनिसिपैलिटी से आप आंकड़े ले लीजिए, नगर परिषद से, कि कितनी आबादी का कौन सा वार्ड, कितने वोटर उसके अंदर हैं और उसमें सफाई के कर्मचारी कितने हैं। जहाँ पर 2000 वोटर हों वहाँ भी एक कर्मचारी सफाई कर रहा है, और जहाँ 400 वोटर हैं वहाँ भी एक ही कर्मचारी सफाई कर रहा है। तो उस क्षेत्र का जो निवासी है वो तो टैक्स दे रहा है ना आपको, म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स दे रहा है। जब बिल आता है उसका, पानी का बिल आता है, उसका बिजली का बिल आता है, उसके अंदर वो सुविधा टैक्स सारे लगते हैं। तो 400 लोगों को जो टैक्स देना पड़ रहा है, वहाँ भी एक व्यक्ति सफाई कर रहा है
और 2000 जो लोग हैं वहाँ भी एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, तो गंदगी का होना तो लाजमी है, तो एक व्यक्ति कहाँ तक, सफाई कर्मचारी का दोष नहीं है, सफाई की व्यवस्था करने वाले और उसको मैनेज करने वाले लोगों का दोष है, ये देखना पड़ेगा। तो मैं सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दूंगा और एजुकेशन व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है कि बच्चियाँ भी दूर दूर जाती हैं, बच्चे भी दूर दूर जाते हैं, जो तो उनके लिए उसी एरिया के अंदर स्कूलों की व्यवस्था करूँगा और उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है जो नहीं खोले गए हैं जगह जगह पर, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए और तीनों वो जो है आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक भी तीनों केंद्र खोले जाने चाहिए। तो उसकी मैं पूरी व्यवस्था के लिए बात करूंगा। अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जो है सवर्ण वर्ग और दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग सब मेरे साथ है, सबके लिए मैं काम करता हूं, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी जगह देखूंगा और जहां जहां जो भी कमी मुझे महसूस होगी वहां पर उन कमियों को पूरी करूंगा। जी सर बिल्कुल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करता हूँ कि सवाई माधोपुर के वासियों, मेरे दिल पर राज करने वाले लोगों, आपके लिए मैं संघर्षरत रहा हूँ हमेशा, चाहे इंटीरियर के क्षेत्र रहे हों मलारना बेहतर जो भी रहा है, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि MIM के प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना गया है, असदुद्दीन उवैसी को देखिए और उसकी सेवा को देखिए और हैदराबाद के क्षेत्र के अंदर जो विकास हो रहा है उसको देखिए और आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग को से मत पूछिए। और दिल यदि कहता है कि जफर अमीन आपका बेहतरीन सेवक है और ये अच्छा सेवक सिद्ध होगा, तो पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मुझे विजयी बनाइए। मैं आऊँगा आपकी सेवा में, सदैव खड़ा रहूँगा, जैसे मुझे कर्मचारियों ने जो है सेवा के भाव से ही मुझे चुना था। 25 साल तक मैं निर्विवादवान नेतागिरी करता रहा और उनकी सेवा करता रहा, ठीक उसी तरीके से इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। और आपको ये जो है भरोसा दिलाता हूं कि 75 साल में किसी ने ऐसी सेवा नहीं की होगी, इतनी सेवा करूंगा। जी सर, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ जफर अहमद अमीन, जो MIM से चुनाव लड़ रहे हैं।